आज कौशाम्बी जनपद के लिए बड़े गर्व का दिन है। कौशाम्बी जनपद के चायल विधानसभा के छोटे से गांव मल्लीपुर का एक साधारण परिवार का बालक भारत देश के साथ जनपद कौशाम्बी का नाम भी रोशन कर गया। गरीबी में पढ़े लिखे संदीप भारतीय के पिता हरिलाल पेशे से मजदूर किसान है। बेटे के इस उपलब्धि से माता पिता गदगद हैं। पूरे परिवार व गाँव में इस उपलब्धि का खुशी का माहौल है। विधानसभा चायल के विधायक संजय कुमार गुप्ता ने पदक विजेता संदीप को अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। विधायक ने कहा कि आज देश व जनपद व मेरी विधानसभा चायल के लिए बड़ी खुशी व गर्व की बात है। मेरी विधानसभा चायल के छोटे से गांव मल्लीपुर के संदीप भारतीय ने बांग्लादेश के ढाका मैराथन में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसके लिए मैं संदीप भारतीय को बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। मैं खुद आकर आपको सम्मानित करूंगा। वही गौरतलब हो कि ढाका मैराथन 2022 में भारत की ओर से 6 खिलाड़ियों को भेजा गया था, जिसमें 2 खिलाड़ी पदक विजेता बने, जिससे पुणे के सीनू हवलदार को दूसरा तथा जनपद कौशाम्बी के संदीप भारतीय को तीसरा स्थान मिला और पहला स्थान मोरक्को देश को गया। ढाका मैराथन प्रतियोगिता 2022 का आयोजन 10 जनवरी को हुआ था। बांग्लादेश के ढाका में आयोजित मैराथन में तृतीय स्थान पाकर आज गृह जनपद कौशाम्बी लौटे मेडल विजेता संदीप भारतीय का मनोज केसरवानी और रतन केसरवानी मुन्ना केसरवानी की अगुवाई में मनोरी बाजार सहित कई अन्य जगह ढोल नगाड़ों से जोरदार स्वागत किया गया। कौशाम्बी से सुनील साहू की खेल है राष्ट्रीय या कुछ भी है, हमें सारे गेमों में फोकस करना चाहिए जिससे हमारे और भी भाई निकल के आ सके। तो साहब मैराथन कहाँ पे हुआ था ये? बांग्लादेश ढाका। बांग्लादेश कब हुआ था? किस 10 जनवरी 10 जनवरी हुआ है। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार पासवान। कहाँ रहने वाले हैं? ग्राम मल्लीपुर। मल्लीपुर, मल्लीपुर। अच्छा अच्छा। आपके कौशाम्बी के मल्लीपुर छोटे से गाँव है, वहाँ पे एक बच्चे आपके संदीप जी हैं, तो ढाका बांग्लादेश में जाकर मैराथन में विजयी हुए हैं सैफ मैराथन में, तो आप लोग कैसे अनुभव कर रहे हैं? तो ये सबसे पहले तो हम संदीप जी को बधाई देना चाहेंगे कि इन्होंने कौशाम्बी का नाम रोशन किया और बांग्लादेश की धरती पे जा करके ढाका के मैदान पे इन्होंने जिस तरह तृतीय स्थान पाया मैराथन दौड़ में, उनको बहुत बहुत बधाई संदीप जी को देना चाहेंगे। और जितनी बधाई दी जाए कम है, और इसी जैसे अभी संदीप जी ने कहा कि अगर यहाँ पे व्यवस्था हो जाए, खेल को बढ़ावा मिले, का बढ़ावा मिल जाए, इसलिए हमारे माननीय सांसद विनोद सोनकर जी ने अभी इसी मैराथन दौड़ और क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर के बहुत बड़ा अभी उन्होंने गेम किया था। तो संदीप जी मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह हमारे माननीय सांसद जी ने जो एक प्रोग्राम रखा आपके मंझनपुर में, इनको ये अवगत करना चाहिए बहुत, जैसे इनके जैसे इन्होंने बताया, तो हमारे सांसद जी कौशाम्बी के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उत्साह के लिए इन्होंने एक मैराथन दौड़ या क्रिकेट टूर्नामेंट कराया था जिस साथ अपने शब्दों को।